हेलो वेलकम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ चुके हम लाइव। मैं गौरव व्यास आपका आपके अपने पसंदीदा चाहिए आरएसएन यूट्यूब चैनल पर एनडीएस सीडीएस फाउंडेशन और एफकेट की इस धुआंधार धमाकेदार जोरदार वॉल्केनो एंड इट्स टाइप पार्ट टू में हाल देख स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन। आई होप सारे के सारे शेर और शेरनियाँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में गर्दा लेवल गजब लेवल पर व्यस्त होंगे। इसी उम्मीद इसी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा का करने जा रहे हैं हम आगाज। लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो बोलता हूँ कि बेटा समय के साथ चलिए, तो उसी के हिसाब से अगर कहा जाए तो समय सारणी आपके सामने मौजूद है, जिसके अनुसार कहा जाए तो डेली सुबह 7 बजे आपकी यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, जिसमें एनडीएस सीडीएस फाउंडेशन एफकेट सारा का सारा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है। लेकिन ये अधूरा ज्ञान है कब तक, जब तक हमें ये ना मालूम हो कि इस सेगमेंट से या जो हम पढ़ रहे हैं उससे कमीशन की क्या डिमांड है, आयोग किस प्रकार से पूछेगा। आयोग की डिमांड का जानना बहुत जरूरी है और वो हमें पता पड़ पाएगा जब आयोग ने पूछे गए क्वेश्चनों का हम पता करेंगे। और क्वेश्चन पता करने के साथ साथ ऐसा नहीं है उन्हें हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो डेली शाम को 3 बजे आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर क्या करवाई जाती है, एनडीएस सीडीएस फाउंडेशन एफकेट में आए हुए पीवाईक्यूज, साथ साथ में कहा जाए तो जो क्वेश्चनों का लेवल रखा जाता है पहला दूसरा तीसरा, मतलब स्टेप वाइज रखा जाता है। पहले आसान सवाल करवाए जाते हैं जिससे कि वो फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया जाता है, फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद जाकर फिर हार्ड लेवल सुपर लेवल लाया जाता है। जैसे गेम में नहीं होता है लेवल फर्स्ट लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर, इस तरीके से लेवलों के तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाते हैं जिससे कि आप आसानी से उस लेवल को प्राप्त कर सकें जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आसानी से एग्जाम में जाकर क्वेश्चंस को फोड़ सके। तो डेली शाम को 3 बजे कहां पर, विजय लाइव बैच में, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन या साहब कुछ नहीं है हमारा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, सारा का सारा आपका ही है। तो आपकी परंपरीय एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर, है ना, है ना, ओके। चलिए, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एक बात बताओ, अगर बॉडी में जले हुए का निशान हो एयरफोर्स में मेडिकल, बेटा आप ऐसा कीजिएगा, मैं अभी आपको नंबर दे दूंगा, आपसे वो व्यक्तिगत चर्चा करनी पड़ेगी कि क्या है किस तरीके से है, उस हिसाब से आपको जवाब दिया जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ क्या सर्कमटेंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको वो चीज़ फोकस करवाई जाएगी। लेकिन शाम को 3 बजे हम विजय लाइव बैच में जरूर मिलेंगे और आना है, किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, है ना। चलिए, इसके अलावा आज शाम को आपका एक सीपीपी डाल दिया जाएगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का आज शाम तक एक सीपीपी मिल जाएगा, उसको जाकर लगाइएगा, फील वही आएगा। और कल वाली प्रैक्टिस अगर किसी ने नहीं ली हो, शाम को 3 बजे कल वाली प्रैक्टिस अगर नहीं ली हो तो एक बार जाकर प्रैक्टिस उसको कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट में भी अपलोडेड है और साथ साथ में अगर कहा जाए तो आपके लाइव बैच में भी पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोडेड है, उसे जाकर जरूर लगा लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी सीपीपी को सॉल्व करने में। ठीक, फिर भी अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट आ रहा हो तो 8 से 9 बजे के बीच में आप मुझे कॉल लगाइए और अपनी समस्या का समाधान लीजिए। डेली मंडे से सैटरडे, और अगर टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो इसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी आपको यहीं पर दी जाती है, है ना, ओके। चलिएगा, अब एक बार हम स्टार्ट करते हैं, एक बार पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने वॉल्केनो के बारे में बोला था, ज्वालामुखी होते क्या हैं, तो ज्वालामुखी के बारे में क्या बताया था कि साहब ज्वालामुखी अर्थ के क्रस्ट पर, पृथ्वी के सतह पर उपस्थित एक ऐसा छेद होता है, एक ऐसा होल होता है, एक ऐसा छिद्र होता है जहां से के मेंटल का मैग्मा बाहर निकल आता है। क्या होता है, मेंटल का मैग्मा बाहर निकल आता है, उस छेद को, उस होल को, उस प्लेस को जहां से मेंटल का मैग्मा बाहर निकल आता है, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनो कहते हैं। ठीक, नॉर्मली वॉल्केनो को साधारणतः 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेट वॉल्केनो और डेड वॉल्केनो को, यानी सुसुप्त सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें के इरप्शन कंटिन्यूअसली होता रहता है, है ना, नॉर्मली उनमें इरप्शन हमें देखने को मिलता है, साधारणतः ज्वालामुखी क्रिया उनमें होती रहती है। ठीक, जैसे कि हमारे पास अगर बात कर ले तो हवाई द्वीप का ज्वालामुखी देखने को मिल जाता है, मोनोलोआ और किलायू देखने को मिल जाता है, इक्वेडोर का कोटोपेक्सी हमें देखने को मिल जाता है, स्टॉर्म वाली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ देखने को मिल जाता है, एटना जो सिसिली में है हमारे पास, इटली में है, वो देखने को मिल जाता है। ये सारे के सारे एक्टिव वॉल्केनो के एग्जाम्पल हैं, और इससे पहले वाली क्लास नहीं ली हो तो उसे जरूर ले लेना, क्योंकि वॉल्केनो को मैं बाकायदा मैप में आपको लोकेशन के जरिए समझाया गया था।
दूसरा हमारे पास सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी देखने को मिलता है, जिनमें के काफी टाइम से वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है लेकिन होने की पॉसिबिलिटी है। क्या है? होने की पॉसिबिलिटी है, लंबे टाइम से नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है, होने की संभावना है, यानी कि उन्हें हम पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहां पर वॉल्केनिक सर्कमटेंसेस या फिर वॉल्केनिक कह सकते हैं हम कि इंटेंसिटी वहां पर देखने को मिलती है कि ज्वालामुखियों में तीव्रता देखने को मिलती है कि हाँ यहां पर ये क्रिया होने वाली है या हो सकती है, वहां की लैंड टोपोलॉजी के हिसाब से, वहां के भूगर्भ इतिहास के हिसाब से हमें देखने को मिलता है। ठीक, जैसे कि हम बात कर लें तो वेसुवियस इटली का हमें हमारे पास देखने को मिल जाता है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो साथ साथ में हमारे पास इंडोनेशिया का क्राकातोआ देखने को मिल जाता है, अंडमान निकोबार का नारकोंडम हमें देखने को मिल जाता है। ठीक, इटली का वेसुवियस देखने को मिल जाता है, जापान का फ्यूजियामा हमें देखने को मिल जाता है। ये सारे के सारे क्या है? प्रसुप्त या डोरमेट वॉल्केनो के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, बोला सर थर्ड, अब देखिए इसमें एक चीज और, जो सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं उनको एक्टिव वॉल्केनो में भी काउंट किया जाता है, क्योंकि जब इनमें इरप्शन होता है ना तो इरप्शन होने के दौरान फिर इनसे लगातार ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती है, लगातार मैग्मा निकलता रहता है। तो कई बार आपको जब आप देखोगे ना तो जापान के फ्यूजियामा को एक्टिव वॉल्केनो में काउंट करते हैं, है ना, क्योंकि अब उसमें इरप्शन होना चालू हो गया है। जब इरप्शन होना चालू हो गया है तो उस दौरान वहां से लगातार क्या निकलती रह रही है, आज भी बोला सर ज्वालामुखी या फिर मैग्मा निकल रहा है, तो इसके कारण जापान का फ्यूजियामा अब एक्टिव में भी काउंट होने लगा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने डेड वॉल्केनो के बारे में बात किया था। सर 8 AM पे मैं मैथ्स की क्लास में होता हूं तो कॉल कैसे करूं बेटा देवाशीष? सरकार रुको 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 सरकार रुको रुको रुको। हाँ, तो मैंने ये बताया कि 8 बजे आप क्लास में होते हो तो 8:50 पे क्लास खत्म हो जाती है, तो 10 मिनट का टाइम पर्याप्त रहता है कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर भी अगर ऐसी कोई एक्स्ट्रा आपको नीड होगी तो 9:15 तक मैं कॉल अटेंड कर लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आपका किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना, चलिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या आता है, डेड वॉल्केनो आता है, मृत ज्वालामुखी जिनमें बहुत लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है, है ना, लेकिन संभावना व्यक्त की जाती है और अगर हुआ तो यहां पर जो बसाहट है उसको सबसे ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। क्या कहा? लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है और हम भी ये मान चुके हैं, आम साधारण लोगों में ये बात बन चुकी है कि हाँ यहां ज्वालामुखी क्रिया नहीं होगी, और वैज्ञानिकों के जरिए भी ऐसा कोई हमें बताया नहीं जाता है कि यहां पर ज्वालामुखी क्रिया नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास अगर बोल रहे तो भारत का दक्कन का पठार वाला रीजन है, अब भारत के दक्कन के पठार वाले रीजन में हम लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? रह रहे हैं ना, हाँ रह रहे हैं ना, भारत के दक्कन के पठार वाले रीजन में, साउथ इंडिया वाले रीजन में, बना तो वॉल्केनिक इरप्शन से ही है, लावा से ही बना है ना, भले ही दरारी उद्वेदन हुआ था। आज वहां पर क्या है? शांति शांति है, वहां पर सब शांति शांति है, लेकिन आगे चलकर क्या ये श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि वहां पर नहीं हो सकती? भाई साहब, इंटरनल स्ट्रक्चर में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कब कन्वेक्शनल करंट चल जाए, संवहनीय धाराएं चल जाए, और संवहनीय धारा चलने के बाद उस जगह पर कब क्रिया हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, है ना। तो इसी के आधार पर अगर हम बोले तो ऐसे क्षेत्र जो कि लंबे समय से कोई क्रिया नहीं हुई है और संभावना भी नेग्लेक्सिबल रहती है, उन वॉल्केनो को डेड वॉल्केनो कहा जाता है। लेकिन अगर हुई तो सबसे ज्यादा बसाहट इस जगह पर है, सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, आम साधारण जीवन हमारे पास यहां पर देखने को मिलता है, तो इसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान इन ज्वालामुखियों से होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे ईरान का देवबंद है, कोह सुल्तान है, बहुत लंबे समय से नहीं हुई है ना, ईरान का देवबंद है, कोह सुल्तान हमें देखने को मिलता है ना, तंजानिया का हमारे पास किलिमंजारो देखने को मिल जाता है, एंडीज का एकांका गोवा देखने को मिल जाता है, केनिया का केनियन वॉल्केनो देखने को मिल जाता है ना, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं? डेड वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। यहां तक की हमने बात कर ली थी, रिविजन करवा दिया फटाफट से 10 मिनट में, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आई होप, है ना, और मैप में भी मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी थी। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी हो वो एक बार जाकर देख लेना, फ्राइडे वाली क्लास, तो वो मैप में भी मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी थी कहां पर कैसी कैसी लोकेशन है। अब फिर से मैं चाहूंगा कि लेकर बैठ जाओ आप क्या एटलस, है ना, है ना,
एक बार फिर से आप क्या लेकर बैठ जाओ, एटलस लेकर बैठ जाओ। सर सैटर्न के सैटेलाइट नंबर बढ़ गया है, बेटा सैटर्न का सैटेलाइट नंबर बढ़ गया है, सही है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा, मेरी नजर है बाकायदा, है ना, खबरें बड़ी अच्छी तरीके से आ रही हैं कि अगेन क्राउन गेट सैटर्न टू मैक्सिमम सैटेलाइट और इन सोलर सिस्टम, बट जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक हम उन पर ध्यान नहीं देंगे, है ना, लेकिन उस चीज को हम रखेंगे अपने संज्ञान में, जरूर रखेंगे उस चीज को। हाँ ठीक, एटलस नहीं है हमारे पास, एटलस नहीं है आपके पास, तो एटलस को तो उपस्थित करना ही पड़ेगा ना बेटा। हाँ एटलस नहीं है हमारे पास, तो बेटा मैंने शुरू से जब से क्लास ले रहा हूं तब से मैंने आपसे कहा था कि बाबू एटलस की व्यवस्था तो कर ही लो। हाँ चलिए ओके, अब चाहूंगा कि एक बार क्लास को शेयर मार दे सारे के सारे लोग, जिससे कि हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। अब देखिएगा क्या कहा था, क्या हुआ, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी में से निकलने वाले मैग्मा की मात्रा के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर, और किस हिसाब से इसमें इरप्शन होता रहता है उसके बेसिस पर हमने क्या किया है, वॉल्केनो को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंटेंसिटी यानी कि उसमें से पर मीटर क्यूब कितना मैग्मा निकलता है, आयतन को हम किस में नापते हैं, मीटर क्यूब में नापते हैं ना, तो जब मैग्मा निकलता है तो पर मीटर क्यूब में कितना मैग्मा इसमें निकलता है, ज्यादा मैग्मा निकलेगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कम मैग्मा निकलेगा तो इंटेंसिटी कम होगी। उस आधार पर हमने क्या किया, इन्हें चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, और चार पार्ट्स में डिवाइड करने के दौरान कोई ऐसा विशेष नाम नहीं दिया है, जैसे कि हमारे पास हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है तो उसको बोल दिया हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी या हवाईयन इक्विवेलेंट वॉल्केनो, है ना। वॉल्केनो वाला रीजन हमारे पास देखने को मिलता है, इटली वाले रीजन में वॉल्केनियन वॉल्केनो बोल दिया है एक को, भूमध्य सागर में स्ट्रॉम वॉली वॉल्केनो उसका एक अलग विशेषता देखने को मिलता है तो उस आधार पर स्ट्रॉम वॉली तुल्य वॉल्केनो बोल दिया है, पीलियन क्षेत्र हमारे पास अलग देखने को मिलता है तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी बोल दिया है। इस तरीके से हमने क्या किया है, तीव्रता के आधार पर, यानी कि हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का मतलब क्या है, हवाई आइलैंड पर जो मोनोलोआ और किलायु ज्वालामुखी हैं उनकी इंटेंसिटी है, उनकी तीव्रता है निकलने की, कहां से, क्रस्ट से, वैसी इंटेंसिटी और कौन कौन से दुनिया में वॉल्केनो की है, उन सारे के सारे वॉल्केनो को क्या कह दिया जाएगा, हवाईयन इक्विवेलेंट वॉल्केनो कह दिया जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हाँ है ना। एटलस में कौन सा पेज खोले, एटलस में फिजिकल मैप खोल लीजिए, है ना, फिजिकल मैप खोल लीजिए, वहां पर मैं बताता जाऊंगा और आप उस जगह पर देखते जाइएगा, ठीक है ना। तो मैं नहीं आई तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, फिर से समझ लीजिए, तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, ये बताइएगा। इंटेंसिटी का मतलब होता है कोई चीज कितनी तेजी से हो रही है, ये तो समझते हो ना, कोई चीज कितनी तेजी से हो रही है वो उसकी तीव्रता कहलाती है। आप इस जगह से चले, साल भर में एक कदम उठाया, दो साल में दूसरा कदम उठाया, तीसरे साल में तीसरा कदम उठाया, तो बोलोगे यार तुम्हारी तीव्रता कम है, तुम ज्यादा इंटेंस नहीं हो, लेजी हो। वहीं पर पता पड़ा कि कोई आदमी है वो एक जगह से दूसरी जगह फटाक से चला जाता है, बोला यार बड़ा एक्टिव आदमी है, बड़ा ही तीव्र आदमी है। तो इसी तरीके से ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है वो कितने आयतन में निकलता है, कितना ज्यादा निकलता है या कितना कम निकलता है, उस आधार पर हमने इन्हें क्या कर दिया, चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, है ना, ठीक, क्या कर दिया है, चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब चार भागों में विभाजित किया तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहला बताया था कि सर हवाईयन इक्विवेलेंट ज्वालामुखी या हवाई तुल्य ज्वालामुखी हमारे पास कहा जाता है। हवाईयन इक्विवेलेंट ज्वालामुखी का मतलब क्या है, ये जो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड है, द्वीप समूह है, हवाई आइलैंड है, देखिएगा वहां पर पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में हमारे पास क्या होगा, हवाई आइलैंड होगा, देखिएगा वहां पर आपने मैप में पैसिफिक ओशियन में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के यहां पर हवाई आइलैंड होगा कैलिफोर्निया के पास,
ठीक, तो वहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, मोनोलोआ और किलायु देखने को मिलते हैं, और मोनोलोआ और किलायु हमारे पास क्या बोलते हैं, हवाईयन इक्विवेलेंट ज्वालामुखी कहे जाते हैं। दुनिया में सबसे कम तीव्रता इनकी होती है, क्या होती है, बोला सर सबसे कम तीव्र होते हैं, क्या होते हैं, सबसे कम तीव्र वॉल्केनो होते हैं, हालांकि हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो होते हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, एक्टिव का मतलब क्या होता है, किससे फ्रिक्वेंटली निकलता है, क्या किससे फ्रिक्वेंटली, साधारणतः उनमें क्रियाएं होती ही होती रहती, तो एक्टिविटी का या सक्रियता का मतलब यह होता है कि उसमें से एक्टिविटी होती ही होती रहती है, लेकिन क्या मैग्मा की मात्रा उतनी ज्यादा निकल रही है क्या इसमें से, ये भी तो मैटर करता है। पता पड़ा कि ये हमेशा फूटता रहता है, लेकिन इसमें से कंकड़ पत्थर राख ये सारी की सारी चीजें निकलती रहती है, गैस निकलती रहती है, तो तीव्र तो है, एक्टिव तो है, सक्रिय तो है, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन मैग्मा उतना ज्यादा इनमें से नहीं निकलता है। समझ में आया, मैग्मा इनमें से उतना ज्यादा नहीं निकलता है। तो दुनिया में सबसे कम सक्रिय ज्वालामुखी हमारे पास जो देखने को मिलता है कौन सा, दुनिया में सबसे कम इंटेंस या सबसे कम तीव्र जो ज्वालामुखी देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी हमें देखने को मिलता है, सबसे कम तीव्र होता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास स्ट्रोमवॉली। स्ट्रोमवॉली कहां पर है, इटली के यहां पर नीचे की ओर देखिएगा, भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में, वर्ल्ड मैप में इटली के यहां पर नीचे मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, अफ्रीका से ऊपर की ओर और इटली से नीचे की ओर है ना, फ्रांस और ब्रिटेन से ईस्ट की ओर, यहां पर आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा है ना, भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, और उस भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में हमारे पास क्या है, स्ट्रोमवॉली है। क्या है, भूमध्य सागर वाले रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, मेडिटेरियन सी वाले में स्ट्रोमवॉली देखने को मिलता है। ये हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी से ज्यादा तीव्र है, यानी कि किस तरीके से इनके बीच में साइन लगा सकते हैं, इस टाइप का ये जो साइन होता है ना हमारे पास, ये कब होता है, ये कम की ओर होता है, और ये किसकी ओर होता है, ज्यादा की ओर होता है, होता है कि नहीं होता है, हाँ ये ज्यादा की ओर होता है, ठीक। तो इस तरीके का साइन लगाया सकता है, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी की एक्टिविटी इंटेंसिटी कम है, स्ट्रोमवॉली तुल्य ज्वालामुखी की इंटेंसिटी हमारे पास ज्यादा है, ठीक। अगर हम बोले तो अगला क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट अगला आता है वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, हाँ वॉल्केनियन इक्विवेलेंट ज्वालामुखी हमारे पास देखने को मिलता है। बोला सर क्या बात है, वॉल्केनियन इक्विवेलेंट ज्वालामुखी हमारे पास जो देखने को मिलता है ये कहां पर है, बोला सर वाल्कन रीजन में है, कहां पर, यूरोप में वाल्कन रीजन हमारे पास देखने को मिलता है, वहां पर ये देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जब मैग्मा निकलता है ना, तो इसमें मैग्मा निकलने के दौरान गोभी का जो कैलीफ्लावर होता है ना हमारे पास, कैलीफ्लावर या कॉलीफ्लावर बोलते हैं कई लोग है ना, तो इस गोभी के आकार का मैग्मा बाहर निकलता है बहुत ही तेजी से, क्या गोभी के आकार का मैग्मा, यानी फूल के जैसा, गोभी के फूल के जैसा मैग्मा तेजी से बाहर निकलता है, यानी कि इसमें मैग्मा कैसा होगा, थिक होगा, थोड़ा सा थिक होगा, तो क्या होगा, गोभी के आकार का मैग्मा इसमें से बाहर निकलता है, मैग्मा निकलता है, ठीक। और चौथा हमारे पास जो देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है पीलियन इक्विवेलेंट वॉल्केनो, क्या कहते हैं, पीलियन इक्विवेलेंट वॉल्केनो, इस पीलियन इक्विवेलेंट वॉल्केनो में सबसे गाढ़ा मैग्मा निकलता है, क्या सबसे थिक मैग्मा इसमें से निकलता है, ठीक। और इसी के कारण पीलियन जो वॉल्केनो है, जो पीलियन वॉल्केनो होते हैं उनकी ऊंचाई काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, पीलियन वॉल्केनो की ऊंचाई क्या देखने को मिलती है, काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब बोला सर इसके बराबर पर कोई है क्या, मैंने कहा बिल्कुल है बेटा, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में हमारे पास इक्वाडोर का कोटोपैक्सी है, सबसे ज्यादा ऊंचा है कि नहीं, है ना, इंडोनेशिया का क्राकातोआ है, यह भी हमारे पास देखने को मिलता है, यानी कि इससे पीलियन तुल्य ज्वालामुखी से क्या होता है, माउंटेनिक वॉल्केनिक माउंटेन ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, किसका, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, किससे, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी से, क्यों, थिक मैग्मा है, और अगर थिक है
कोई भी चीज गाड़ी होती है तो गाड़ी होने के दौरान वो क्या है, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। गाड़ी है अगर कोई चीज तो वो ज्यादा दूर तक फैलेगी क्या? खुद से पूछो। पानी है, पानी को फैला दो पूरी जगह पर फैल जाएगा। वहीं पर शहद को फैलाओ, जाएगा ज्यादा दूर तक? नहीं जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पर। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या देखने को मिलता है, सर मैग्मा बाहर क्यों निकलता है? हे भगवान, एक बोल रहा है सर मैग्मा क्या होता है, ओ भाई साहब, शायद हो सकता है कि पहली बार क्लास में आए हो। मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर क्रस्ट के नीचे मेंटल में उपस्थित सेमी लिक्विड फॉर्म, अर्ध तरल अवस्था में हमें देखने को मिलता है ना, जो कि काफी हॉट होता है, इतना ज्यादा हॉट होता है कि हमारी हड्डियों तक को गला देगा, है ना। मेंटल में पाया जाता है और कैसा होता है, बोला सर अर्ध तरल अवस्था में, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। हा? हाँ सर, मैग्मा बाहर क्यों निकलता है? बेटा मैग्मा बाहर इसीलिए निकलता है कि अगर क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट के नीचे मेंटल में कोई भी डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ, ठीक, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया हुई, भूकंप भूकंप आया है ना, सुनामी उनामी आई, या फिर कहा जाए तो क्रस्ट वाला एरिया कहां पर गया, मेंटल में नीचे की ओर चला गया, धस गया, तो उसके कारण वहां पर मैग्मा की मात्रा बढ़ जाती है और कन्वेक्शनल करंट, संवहनीय धाराएं चलती है और मैग्मा बाहर निकल आता है, ठीक है ना। तो मैग्मा क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। सर पीलियन कहां पर है? बेटा पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, मैंने अभी बताया ना, जैसे इंडोनेशिया का क्राकातोआ हमें देखने को मिल जाता है, माउंट पेडमाउंट देखने को मिल जाता है ना, इसके अलावा सेंट मारिया देखने को मिल जाते हैं, ठीक, ये सारे के सारे हमारे पास कैसे है, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। विसुवियस है, माउंट फ्यूजी है ना, विसुवियस कहां पर है, इटली में, माउंट फ्यूजी कहां पर है, फिजी में हमें देखने को मिलता है ना, फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा कहां पर, जापान में देखने को मिलता है। ये सारे के सारे कैसे है, पीलियन इक्विवेलेंट वॉल्केनो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देता हूं भाई साहब, ये लो भाई साहब, फ्यूजियामा कहां पर, जापान में, क्राकातोआ कहां पर, इंडोनेशिया में, है ना। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोल दूं कि माउंट फ्यूजी फिजी में, है ना, तो ये सारे के सारे हमारे पास कैसे हैं, बोला सर वॉल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी है। और भाई साहब ये जो ज्वालामुखी होते हैं, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा तीव्र होते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज्यादा तीव्र हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या चीज हमने सीखी आज, क्या चीज हमने सीखी, बोला सर ये चीज हमने सीखी कि यहां पर इंटेंसिटी के बेसिस पर वॉल्केनो को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हवाईयन इक्विवेलेंट, स्ट्रावोलियन इक्विवेलेंट, वॉल्केनियन इक्विवेलेंट और पीलियन इक्विवेलेंट, ठीक। हवाईयन इक्विवेलेंट सबसे कम तीव्र होते हैं जबकि पीलियन इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा तीव्र हमें देखने को मिलते हैं, क्लियर। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वॉल्केनो नहीं है। कहां पर? बोला सर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, क्लियर। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास कोई भी वॉल्केनो देखने को नहीं मिलता है, ओके। चलिएगा, आधा घंटा निकल चुका है, अब तो एक मिनट, ओके, रुको, एक और बचा है, हाँ, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, ओके, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी सबसे ज्यादा होते हैं, सॉरी, है ना। यहां पर मैंने शायद पीलियन तुल्य ज्वालामुखी को सबसे खतरनाक बता दिया, ये सबसे थिक होता है, जबकि सबसे खतरनाक हमारे पास क्या होता है, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी होता है। और विसुवियस हमारे पास कहां पर देखने को मिलता है? बोला सर विसुवियस देखने को मिलता है इटली में,
है ना। तो इटली में हमारे पास क्या है, विसुवियस ज्वालामुखी है, और उसके जैसे जितने भी ज्वालामुखी होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी कहलाते हैं। क्लियर, ओके चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्या ओशियन में भी वोल्केनो होते हैं? रुक जाओ, ठंड रखो, तसल्ली रखो, सब आएगा, सब आएगा, ठंड रखो, है ना। ओशियन में भी ज्वालामुखी बताऊंगा, है ना, ये लैंड पे भी ज्वालामुखी बताए हैं मैंने, तो सब आएगा, रुको 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 रुको, वेट। ठीक, तो अब हमने क्या देख लिया था, बोला सर जनरली ज्वालामुखी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिव होता है, डोरमेंट होता है और डेड होता है। ठीक, इंटेंसिटी के बेसिस पर पांच पार्ट्स में हमने देख लिया था, है ना, वोल्केनो नहीं है। ठीक, इंटेंसिटी के बेसिस पर हमने पांच पार्ट्स में देख लिया था, कौन कौन से देख लिए थे, बोला सर हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी है, वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी है, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है, इंटेंस स्टॉर्म वॉलियन तुल्य ज्वालामुखी और विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, हमने ये पांच पार्ट देख लिए। और किस आधार पर डिवाइड किया जाता है, तो बोला सर आकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, या फिर कह दो स्ट्रक्चर। और इस साल अब फोकस हो जाना, इस साल इससे क्वेश्चन आया है, इससे क्वेश्चन आया था इस साल, तो अब फोकस हो जाना, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि जब ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी होने के दौरान ज्वालामुखी से किस किस तरीके की सर ऑस्ट्रेलिया में कोई वॉल्केनो क्यों नहीं है बेटा, वो इसीलिए नहीं है कि वहां पर डेजर्ट की मात्रा ज्यादा है, और दूसरा वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार अगर कहा जाए तो प्लेटों से थोड़ा सा दूर देखने को मिलता है, और नॉर्मली जो प्लेट टेक्टोनिक वाला रीजन है, जो प्लेटों का किनारा वाला रीजन है, वहां पर ज्वालामुखी ज्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। चलिएगा, मेंटल क्या है बेटा, उसके लिए आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की क्लास देखिएगा, है ना। चलिए, तो हमारे पास क्या है, आप बोला सर किसके आधार पर, आकृति के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार हमारे पास देखने को मिले। अब देखिए ज्वालामुखी से किस किस टाइप की आकृतियां हमारे पास बनती है। सर अंटार्कटिका में एयरबस वोल्केनो है, बिल्कुल है भाई साहब, लीजिए साहब लिख लेता हूं, अंटार्कटिका एयरबस ज्वालामुखी, लीजिए साहब, बिल्कुल बहुत सही, यानी कि मुझे खुशी हुई कि आप मेहनत कर रहे हो, है ना, आप मेहनत कर रहे हो, मुझे खुशी हुई। हाँ चलिए, ओके बेटा ये फैक्ट है, मैप वाला जो सेगमेंट था ना, वो मैप वाला सेगमेंट हमारा परसों की क्लास में, यानी फ्राइडे की क्लास में हो चुका है ना, तो उस क्लास से आप मैप को कवर कीजिएगा। मैं एटलस लेके बैठने के लिए इसीलिए कहा था कि जब मैं जिस जिस ज्वालामुखी का नाम लूं, तो अगर परसों फ्राइडे की क्लास ली होगी तो आप आसानी से वहां पर पहुंच जाओगे कि हाँ हवाईयन इक्विवेलेंट वोल्केनो बता रहे हो, यानी कि पैसिफिक ओशियन में हवाई आइलैंड, ये रहा। ठीक, विसुवियस इक्विवेलेंट वोल्केनो बता रहे हो, तो साहब ये रहा विसुवियस वाला रीजन, है ना। स्टॉर्म वॉलियन तुल्य ज्वालामुखी बता रहे हो, तो स्टॉर्म वॉली यहां पर है, वो आपको इस तरीके से चीजों को कवर करना है। ठीक, ओके चलिएगा, अब अगर हम आगे बढ़े नेक्स्ट की अगर बात करें, तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, आकृति के आधार पर, किसके आधार पर, आकृति या शेप के आधार पर। तो जब भी ज्वालामुखी क्रिया होती है, नीचे से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, नीचे से क्या निकला, मैग्मा निकला, तो मैग्मा निकलने के कारण वोल्केनो अलग, मैग्मा जब निकलता है तो निकलने के बाद क्या होगा, ठंडा होगा, वायुमंडल के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, या फिर वहां से मेंटल से तो हट ही गया है, तो नॉर्मली मेंटल से जब कोई चीज हटती है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी से अगर कोई चीज को दूर किया जाए, तो उसमें जो हीट रहती है वो कम होती जाती है, गर्मी उसमें कम होती जाती है, होती है कि नहीं होती, बोला बिल्कुल होती है ना। तो उसमें से क्या होता है, तापमान की मात्रा घटती जाती है, और घटती जाती है तो उस दौरान मैग्मा जो कि गाढ़ा है, चिपचिपा है, लिक्विडाइज्ड फॉर्म में या सेमी लिक्विड फॉर्म में, अर्थ तरल अवस्था में है, उसकी क्या होती रहती है, बोला सर वो बाहर निकलने के बाद क्या होता है, ठंडा होता है। अब ठंडा होने के दौरान क्या देखने को मिलता है, कि पता पड़े कि वो जम गया, जमेगा ठंडा होगा तो, है ना, जमेगा ठंडा होगा तो, और पता पड़े कि वो मैग्मा ले रहा हो सेल्फी, और पाउट के फॉर्म में जम गया, बोला ओ पाउट करो पाउट करो पाउट, हो सकता है आप ही लोग थोड़ी फैशन के शौकीन हो, है ना, बाकी भी तो मैग्मा एग्मा भी तो सेल्फी एल्फी ले सकते हैं।
ठीक, तो वो मैं आपको केवल एक मजाक किया था मैंने, ऐसा नहीं होता है कि मैग्मा सेल्फी लेगा, है ना, वो केवल मजाक था। लेकिन हाँ, मैग्मा क्या है, जब ठंडा होगा और निकलने के दौरान अगर वो किसी जगह पर इकट्ठा होगा तो उस आकृति का, उस चीज का शेप ले लेगा। क्या ले लेगा? उस चीज का क्या ले लेगा? आकार ले लेगा। तो वो शेप हमारे पास अलग अलग जगह पर धरती पर अलग अलग देखने को मिलते हैं, है ना, अलग अलग जगह पर। भारत में कौन सा वॉल्केनो पाया जाता है? बेटा भारत में हमारे पास नारकोंडम है और एक्टिव है और डोरमेट है। नारकोंडम डोरमेट है और एक्टिव कौन देखने को मिलता है? बैरन आइलैंड का देखने को मिलता है, है ना। चलेगा, तो यहां पर हमारे पास क्या है, मैग्मा की आकृति के आधार पर, यानी कि मैग्मा के निकलने के बाद किस किस तरीके की वॉल्केनिक एक्टिविटी या किस किस तरीके की हमारे पास ज्वालामुखी आकृतियां बनती हैं, उस बेसिस पर अगर कहा जाए तो समझिएगा, सबसे पहला हमारे पास क्या देखने को मिलता है? क्रेटर या कोल्डेरा। ओहो, आकृति के आधार पर क्या देखने को मिलता है? मिक्स्ड वॉल्केनो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मिक्स्ड वॉल्केनो हमारे पास देखने को मिलता है। मिक्स्ड वॉल्केनो, मिश्रित ज्वालामुखी क्या होता है, है ना, मिश्रित ज्वालामुखी या मिक्स्ड वॉल्केनो क्या होता है? बेटा दिव्या, कल से मैं ले आऊंगा, बेटी अब पढ़ाई पे ध्यान दे ले। मैंने देख लिया कमेंट कि सर फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करो, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कल से बड़ा कर लाऊंगा, यहां संभव नहीं हो पाता है, है ना, तो कल से उसी तरीके से सेट कर लाऊंगा उसे, डोंट वरी, अभी पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, है ना। चलेगा, तो मिक्स्ड वॉल्केनो क्या होता है? मिक्स्ड वॉल्केनो मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं जिनमें के मैग्मा गाढ़ा होता है। कैसा होता है? बोला सर थिक मैग्मा निकलता है भाई साहब, इसमें से क्या होता है, मैग्मा गाढ़ा निकलता है। अब देखिएगा, जब मैग्मा निकलेगा गाढ़ा तो दो टाइप की आकृतियां बनाता है। क्या बनाता है? दो टाइप की आकृतियां बनाता है, या तो कॉन्वेक्स बनाएगा या कॉनकेव बनाएगा। यानी कि अगर मैग्मा गाढ़ा है, कोई चीज गाढ़ी है, तो गाढ़ी है तो नीचे से निकल रही है, तो या तो वो कैसी बनाएगी, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण जैसी आकृति बनाएगी, या फिर क्या होगा, वो अवतल दर्पण जैसी या अवतल लेंस जैसी आकृति बनाएगी। ठीक, तो मिक्स्ड वॉल्केनो में बोला सर अगर वो मैग्मा गाढ़ा है और कैसी आकृति बना ले, कॉन्वेक्स शेप में जम जाए, किसमें, उत्तल आकार में अगर उसका जमाव हो जाए। मैग्मा क्या है? गाढ़ा है और कॉन्वेक्स शेप में या उत्तल आकार में जमाव हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? मिक्स्ड वॉल्केनो कहा जाएगा। आई बात समझ में कि अगर मैग्मा गाढ़ा है और उत्तल आकार में जम जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? मिक्स्ड वॉल्केनो कहा जाएगा। ओके सर, चलिए ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या आता है? बोला शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो में मैग्मा क्या होता है? बोला सर मैग्मा तरल होता है। मैग्मा क्या होता है? तरल होता है, पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। अब मान लीजिए कोई भी चीज पतली है, तरल है, तो क्या होता है, जब वो फैलेगी तो दूर तक जाएगी। बेटा यूपीएससी है और उस डिमांड तक हमें पहुंचना पड़ेगा, है ना, उस डिमांड तक हमें पहुंचना पड़ेगा। फोकस्ड कमेंट पर ध्यान कम देकर, ये DBCD और ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ना बेटा, फोकस हो जाओ। अगर वास्तव में मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो तो मेरी मेहनत और आपका साथ आपकी लाइफ सुधार देगा, है ना। हाँ, समझ में आया? ओके, हाँ, मिक्स्ड वॉल्केनो, पीलियन वॉल्केनो आप आ सकते हैं, लिख सकते हो, क्लियर। चलिएगा, अब क्या आता है, क्या बोल रहा था मैं कि इसमें मैग्मा क्या होता है? थिन होता है, पतला होता है। यहां पर क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा मैग्मा। अगर कोई भी चीज पतली है तो वो ज्यादा दूरी तक फैलेगी, फैलेगी कि नहीं फैलेगी? ज्यादा दूरी तक फैलेगी। अगर ज्यादा दूरी तक फैलेगी तो वो किस फॉर्म में जमेगा? बोला सर होरिजेंटल फॉर्म में जमेगा। किस फॉर्म में जमेगा? होरिजेंटल
फॉर्म में उसका जमाव होगा। ठीक, अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उसका जमाव हुआ है, यानी कि ये किस फॉर्म में होगा, बोला सर लेयर के फॉर्म में होगा, लेयर के फॉर्म में होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जमाव होगा, लेयर के फॉर्म में होगा, और इस तरीके के वॉल्केनो को क्या कहा जाएगा, बोला सर शील्ड वॉल्केनो हमारे पास कहा जाता है। ठीक, जैसे कि कनाडियन शील्ड हमें देखने को मिलती है यूएसए में, ऊपर नॉर्थ अमेरिका में, ऊपर कनाडा वाले इस रीजन में कनाडियन शील्ड है। स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन शील्ड देखने को मिलती है हमारे पास, है ना, तो ये सारे के सारे क्या है, शील्ड वॉल्केनो के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। ये शील्ड वॉल्केनो आपको और अच्छे समझ में आएंगे माउंटेन्स वाले रीजन में, जब इनसे रिलेटेड मैं माउंटेन आपको कराऊंगा। ठीक, ओके, चलिएगा नेक्स्ट। अगर हम बात करें अगला क्या आता है, सिंडर कॉन वॉल्केनो। सिंडर कॉन वॉल्केनो में मैग्मा थिक होता है, क्या होता है, मैग्मा थिक होता है, और थिक होने के साथ साथ ये क्या होता है, कॉनवेक कॉनकेव रूप में जमता है। किस रूप में, बोला सर कॉनकेव फॉर्म में या अवतल रूप में जमाव होता है इसका। तो ध्यान रखना, आकृति के आधार पर भी हमने वॉल्केनो को क्या किया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, है ना, क्या, आकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, वॉल्केनो कैन बी डिवाइडेड इन द थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज द मिक्स्ड वॉल्केनो विच हैव द मैग्मा कंडीशन इज द थिक एंड इट शेप लाइक अ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, एंड द शील्ड वॉल्केनो विच मैग्मा इज द थिन एंड शेप लाइक अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म लेयर्ड फॉर्म, एंड थर्ड वन इज द सिंडर कॉन वॉल्केनो, मैग्मा क्वालिटी इज थिक एंड शेप कॉनकेव यानी अवतल रूप में जम जाता है। इस तरीके से हमारे पास आकृति के आधार पर तीन प्रकार के वॉल्केनो होते हैं। अब बात करते हैं कि ज्वालामुखी से किस किस टाइप के शेप या फिर स्ट्रक्चर हमारे पास बनते हैं, क्या किस किस प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये स्ट्रक्चर से इस बार क्वेश्चन आया था। ठीक, स्ट्रक्चर से इस बार क्वेश्चन आया था। ज्वालामुखी से दो टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, बेसिकली समझिएगा कैसे बनते हैं, दो टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक एक्सट्रूसिव, एक क्या बनते हैं, एक्सट्रूसिव, और दूसरे क्या बनते हैं, इंट्रूसिव, यानी कि बाह्यवर्ती और अंतर्वर्ती आकृतियां। क्या बनते हैं, एक तो पृथ्वी के बाहर बनती है यानी क्रस्ट पर हमें दिखाई दे जाती है, दूसरी हमारे पास क्रस्ट के अंदर बनती है। ठीक, जिनको के जब हम खोदा पीटी करते हैं ना, खुदाई करते हैं जेसीबी से, तब वो दिखाई देती है, है ना। तो दो टाइप के हमारे पास वॉल्केनिक स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना, और किस कौन कौन से होते हैं, बोला सर एक एक्सट्रूसिव होता है और दूसरा इंट्रूसिव होता है, बाहर बनते हैं और अंदर बनते हैं। चलिए सबसे पहले आता है क्रेटर या कोल्डेरा। पहला क्या आया, क्रेटर या कोल्डेरा। यस सर, यहां से क्वेश्चन आया था बेटा। मैं अपनी क्लास में आपको इतनी सारी चीजें बता दूंगा, अगर आप फोकस के साथ पहली क्लास से लेकर आखिरी तक जुड़े रहे ना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं, जो समझा रहा हूं, जिस तरीके से समझा रहा हूं, उस तरीके को अगर आपने फोकस कर लिया, पकड़ लिया, फोड़ के आओगे। लेकिन उसके लिए यही बात है कि फोकस आपका होना चाहिए मेरे ऊपर और क्लास के ऊपर, है ना। ठीक, इंट्रूसिव से क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इंट्रूसिव से इस बार क्वेश्चन आया था। ठीक, अब देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो क्रेटर या कोल्डेरा। अब आपने नॉर्मली जब भी आपके दिमाग में क्या आता है, वॉल्केनो की आकृति आती है तो कुछ इस टाइप से आती है कि नहीं आती है। जब भी ज्वालामुखी की आकृति आपके दिमाग में आती है तो कुछ इस टाइप से आती है। यहां नीचे क्या है, बोला सर मैग्मा चैंबर है, है ना, और ये क्रस्ट पर उपस्थित होल है। तो ध्यान रखना, जब पहली बार क्या, जब पहली बार ज्वालामुखी क्रिया होती है, मान लो क्या हुआ, जब पहली बार वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, क्या हुआ, जब पहली बार ज्वालामुखी क्रिया हुई तो भाई साहब क्रस्ट पर एक छेद बनेगा। पहली बार वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो क्रस्ट पर क्या बनेगा, छेद बनेगा, बिल्कुल बनेगा साहब। ये लो, पहली बार वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई और क्रस्ट पर एक बना होल, क्या बना, एक बना छिद्र।
ठीक, जहां से एक मैग्मा निकला क्या बाहर, कब पहली बार। तो ये जो होल होगा, ये जो छेद होगा, वो क्या होगा, छोटा होगा, है ना, छोटा होगा, और इसी को कहा जाता है क्रेटर। क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। समझ लीजिएगा, जब पहली बार वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है और वहां से उस होल से उस छेद से मैग्मा बाहर निकला, और बाहर निकलने के दौरान ये जो छेद होगा वो नॉर्मली छोटा होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, क्रेटर कहा जाएगा। अब मैग्मा बाहर निकला, मैग्मा बाहर निकलने के बाद उसमें से मैग्मा निकलना हो गया बंद, क्या मैग्मा निकलना हो गया बंद, ये ठंडा होकर जम गया, मैग्मा निकलना हो गया बंद, ठंडा होकर जम गया, तो आगे चलकर अगर पानी बरसेगा, क्या टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, तो अगर पानी बरसा और इसमें पानी इकट्ठा हो गया तो कर लेगा लेक का फॉर्मेशन। अगर क्या हो जाएगा, अगर पानी भर जाएगा, भर जाए तो क्या बना लेगा, बोला सर झील बना लेगा। कहां पर बनी है झील, क्रेटर में बनी है, इसके कारण इसे क्या कह दिया जाएगा, क्रेटर लेक कह दिया जाएगा। जैसे कि भारत में लोनार लेक है, क्या है भारत में, क्या है लोनार लेक है, क्या है महाराष्ट्र में लोनार झील है, कैसी है, क्रेटर लेक है, है ना। तो जब पहली बार कहीं से मैग्मा निकला, निकलने के दौरान उसका मुंह छोटा होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, क्रेटर कहा जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, और उसके बाद इसमें पानी इकट्ठा हो जाए, क्या कहलाएगा, क्रेटर लेक या क्रेटर झील कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोनार लेक क्रेटर लेक क्यों कहलाती है, क्योंकि एक ही बार वहां से मैग्मा निकला है, उसके बाद आज तक नहीं निकला है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, एमपी में है, वो महाराष्ट्र में है, इंडिया में है, ठीक, ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, क्रेटर ठंडा हो गया, जम गया, और इसके बाद क्या हुआ कि दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, यानी कि अगर यहां से बार बार मैग्मा निकलने लगे, क्या हो, बार बार मैग्मा निकलने लगे, तो साहब एक बार निकला ठंडा हो गया, मुंह छोटा हो गया, अब दोबारा मैग्मा निकलेगा तो इस छोटे वाले मुंह को तोड़ फोड़ के निकलेगा कि नहीं, हाँ, जब दोबारा मैग्मा निकलेगा तो इस छोटे वाले मुंह को तोड़ फोड़ के निकलेगा कि नहीं, बोला हाँ सर बिल्कुल निकलेगा। और अगर किसी का मुंह तोड़ दिया जाए तो मुंह फैल जाता है, सूज जाता है, बड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं, हाँ, किसी का मुंह को तोड़ दिया जाए, मान लो भगवान ना करे, लेकिन नहीं, हम और आप घरेलू प्राणी हैं और माता पिता ने तरीके से ठुकाई लगाई ही होगी, है ना, तरीके से ठुकाई लगाई होगी, कभी बाई चांस ज्यादा तेज मार दिया हो तो ये गाल सूज गया हो, है ना, तो नॉर्मल आकार से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तंबूरा हो गया फूल के, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें, ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें तो जब बार बार ज्वालामुखी क्रिया हो तो वो क्या करते हैं, तोड़ फोड़ कर, किसको तोड़ फोड़ कर बाहर निकलता है, और क्या होता है, छिद्र का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, कोल्डेरा कहा जाता है, क्या कहते हैं, कोल्डेरा कहते हैं, है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोल्डेरा कहते हैं। है ना, ततैया ने काट लिया, बस तुम्हें ततैया ही याद आएंगी, मैं मम्मी पापा की याद दिलवा रहा हूं तुम्हें, ततैयाएं याद आती हैं, दूर रहो बेटा ततैयाओं से, है ना, और ततैया भी इन भौरों से दूर रहें, अगर दोनों अपना भला चाहते हैं तो, नहीं तो फिर हो ही है वही जो राम रचे राखा, काकर तरग बढ़ावे साखा, है ना, हाँ चलिएगा, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगली आकृति क्या आती है, गीजर,
ठीक ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है? बोला सर अगला आता है गीजर या गेसर। आपने कई जगह पर जैसे उत्तराखंड वाले रीजन में आपने खबरें सुनी होंगी, कई लोग बोलते हैं चमत्कार हो गया, भगवान का चमत्कार है, इनका चमत्कार है, उनका चमत्कार है। कैसे गुरुजी? क्या है, ज्योग्राफी की समझ अगर नहीं होती है ना तो आदमी चीजों को चमत्कार समझने लगता है। कैसे? उत्तराखंड वाले रीजन में हमारे पास कई गर्म पानी के कुंड देखने को मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? है ना? तो अगर वहां पर गर्म पानी के कुंड हैं तो लोग वह क्या कहते हैं, अरे सर देखा भगवान का चमत्कार, उत्तराखंड इतना ठंडा रीजन, इतना ठंडा क्षेत्र, वहां पर पानी गर्म निकल रहा है, कैसे भगवान का चमत्कार है कि नहीं है? और इतना ठंडा, इतना गर्म निकलता है कि मैंने तो उसकी वीडियो वीडियो भी देखी है, मौका मिला तो कभी जरूर जाऊंगा ऐसे स्थानों पर, मेरी जाने की भयंकर इच्छा रहती है, लेकिन आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है कि उस पानी के कुंड में आप चावल पोटली में बांध कर उसमें डाल दीजिए, 10 मिनट बाद बाहर निकालिए, चावल बढ़िया पके हुए निकलते हैं, ऐसा लगता है जैसे प्रेशर कुकर में पका दिए हों, है ना? तो वो जो स्थिति, वो जो कंडीशन डेवलप होती है, यानी कि अगर कहीं से गर्म पानी निकलता है, क्या बोला सर? हाइड्रोस्फीयर से गर्म पानी निकलता है। क्या निकलता है? गर्म पानी निकलता है लेकिन कंटिन्यू नहीं रहता है। क्या? रुक रुक कर निकलता है। कैसे? रुक रुक कर, यानी अभी निकल आया, उसके बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे, एक घंटे, 2 घंटे या 6 घंटे बाद फिर से वहां से गर्म पानी निकलने लगा। ठीक, तो ऐसी टोपोलॉजी को, ऐसी स्थलाकृति को कहते हैं गीजर या गेसर, है ना? अब बोला कि सर ऐसा क्यों होता है? क्या होता है, जैसे कि मैग्मा कहीं क्रस्ट से, मतलब मेंटल से बाहर निकला, लेकिन उसका प्रेशर इतना ज्यादा नहीं था कि वो क्रस्ट को तोड़ते हुए सतह पर आ सके, हमें दिखाई दे सके, लेकिन मैग्मा वहां से बाहर तो निकल आया, और अगर वह क्रस्ट के अंदर जो उपस्थित जल मंडल है, हाइड्रोस्फीयर है, भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसके कनेक्शन में आ जाए तो उससे पानी कनेक्शन में आकर बाहर निकलने लगता है। तो वो पानी मैग्मा के कॉन्टेक्ट में आकर बाहर निकल रहा है ना, तो कैसा निकलेगा? गर्म निकलेगा। और इसमें बहुत सारे मिनरल, बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, है ना? और पानी की क्वालिटी रहती है, ये इसमें वही एब्जॉर्ब करता है जिस चीज की पानी में कमी रहती है। तो इसी के कारण जब इन गर्म पानी के कुंडों में हम नहाने जाते हैं, इनके पानी का यूज करते हैं, तो क्या होता है, स्किन से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो गीजर होते हैं वो रिच मिनरल होते हैं, इनमें मिनरल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए बोला होगा कि जैसे कि बोलते हैं ना कि अरे यार ये मेरे सफेद सफेद दाग हो गए हैं, यार मेरे स्किन पर दाने हो गए, ये खत्म नहीं हो रहे, तो सामने वाला बोला वो यार वो हमारे मामा की लड़की के भी हुए थे। तो बोला क्या किया, क्या किया? कुछ नहीं, वो उत्तराखंड गए थे, वहां पर एक गर्म पानी का कुंड है, उसमें जाकर नहा आए थे, सही हो गए। सही होने के पीछे भगवान का कोई हाथ नहीं है साहब, है ना? सही होने के पीछे ज्योग्राफी है, है ना? सही होने के पीछे क्या है? ज्योग्राफी है। तो जहां भी गर्म पानी के कुंड हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर पानी क्या निकलता है, रुक रुक कर निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? गीजर और गेसर कहा जाता है। ठीक, तीसरा हमारे पास क्या आता है? हॉट स्प्रिंग, यानी कि गर्म पानी के फुवारे, जहां से पानी लगातार निकलता रहता है। क्या? गर्म पानी क्या होता रहता है? लगातार निकलता रहता है। ठीक, तो जहां से गर्म पानी लगातार निकलता रहता है, वहां उस स्थलाकृति को, जहां पर रुक रुक कर निकल रहा है गीजर कह देंगे, लगातार निकल रहा है, फुहारे के रूप में निकल रहा है, उसे क्या कह देंगे? हॉट स्प्रिंग कह देंगे। एक बच्चा बोल रहा है सर आप हिंदू विरोधी तो नहीं हो? बेटा मैं किसी का समर्थक और किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं तथ्य के आधार पर बातें करता हूं,
और मेरा मैक्सिमम उद्देश्य यही रहता है कि अगर आप ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो अपने अंदर से ये चीजें के चमत्कार और ये सारी चीजें उनको साइड में रख दीजिएगा। चमत्कार कुछ नहीं होते हैं, चमत्कार तब तक चमत्कार होते हैं जब तक उनके पीछे के साइंटिफिक रीजन हमें पता नहीं पड़ते हैं। ठीक, अब कोई ये मत बोल देना कि सर हमें हमारे योगी सिद्ध महात्मा इतने हुआ करते थे कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब भी जान लेते थे। वो एक योग की टेक्निक है। आप अपनी माइंड की कैपेसिटी को इतना इंक्रीज कर सकते हो कि आप सामने वाले के मन में चल रही बातों को भी जान सकते हो। ठीक, वो टेक्निक योग की है, उसके पीछे भी साइंस है ना। क्लियर, हर चीज के पीछे साइंस है, लेकिन चमत्कार तब तक आते हैं हमारे तब तक जब तक कि वो समझ में नहीं आते हैं। ठीक, और मैं किसी का विरोधी नहीं हूं और किसी का समर्थक भी नहीं हूं। हां, चलिए आगे आते हैं। अगला आता है स्मोक। स्मोक या फिर इन्हें कहा जाता है धुआरे, धुमारे कह दो, स्मोक कह दो, या फिर इन्हें फेमोरस भी कहा जाता है। स्मोक के नाम से आ जाता है, धुआरों के नाम से आ जाता है, या फिर फेमोरस के नाम से भी हमें देखने को मिल जाता है। है ना, तो फेमोरस हमारे पास देखने को मिल जाता है, स्मोक देखने को मिल जाता है। क्या होता है कि अभी तक तो पानी निकल रहा था, लेकिन मान लो पानी नहीं निकला, क्या निकलने लगे, वाटर वेपर निकलने लगे, क्या निकलने लगे, यहां से जल वाष्प निकलने लगे, क्या निकलने लगे, जल वाष्प या फिर वाटर वेपर निकलने लगे। वाटर वेपर अगर निकलने लगे तो उस क्षेत्र में पूरे में धुंध धुंध हो जाती है, धुंध हो जाता है, कोहरा हो जाता है, धुंध या कोहरा जम जाता है। ठीक, तो उस क्षेत्र में अगर वाटर वेपर निकल रही है और हीटेड वाटर वेपर निकल रही है ना, जमीन से नीचे से निकल रही है, आपने कई YouTube पर वीडियो देखी होंगी कि नीचे से क्या है, मिट्टी है, मिट्टी के नीचे से क्या निकल रही है, गैस निकल रही है ना, जल वाष्प निकल रही है, बुलबुला सा फूटता है नीचे से, है ना, तो वहां से लगातार जलवाष्प निकलती रहती है, वाटर वेपर निकलती रहती है उन छेदों से, उनको क्या कहा जाता है, उन स्थलाकृतियों को धुआरे कहा जाता है। और यूएसए की एक वैली है जिसे कहा जाता है कटमई वैली, कहां पर, यूएसए में एक घाटी है कटमई घाटी, कैलिफोर्निया में है, है ना, कहां पर कटमई घाटी है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जहां पर 10,000 धुआरे हैं, क्या है, 10,000 धुआरे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कहां पर है, यूएसए वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है, सबसे अच्छा एग्जांपल। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आता है सोल्फ स्टार। सोल्फ स्टार क्या होता है, जब धुआरा किसी सल्फर की चट्टान के ऊपर से होकर गुजरे, किससे, जब धुआरा किसी सल्फर की चट्टान से होकर गुजरे, है ना, जब किसी सल्फर की चट्टान से होकर गुजरे तो उसे क्या कहा जाएगा, सोल्फ स्टार कहा जाएगा, सल्फर यानी गंधक। ठीक, ओके, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। अगला आता है ज्वालामुखी आकृतियों में इंट्रूसिव, क्या आता है, इंट्रूसिव यानी कि अंतर्वर्तीय ज्वालामुखी आकृतियां। इसमें कुछ नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि पहली चीज तो हमारे पास इंट्रूसिव में क्या होता है, ये जो मैग्मा है, मैग्मा का जो जमाव है वो कहां होता है, क्रस्ट के नीचे होता है, कहां पर होता है, क्रस्ट के नीचे होता है। अगर मैग्मा का जमाव कैसा हो जाए, मैग्मा का जमाव कैसा हो जाए, बोला सर ये हो जाए कॉन्वेक्स रूप में, कैसा हो जाए, बोला सर उत्तल रूप में हो जाए, कैसा हो जाए, उत्तल रूप में हो जाए, कॉन्वेक्स रूप में हो जाए। ठीक, जैसा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, लोकोलिथ कहा जाएगा। ठीक, कैसा हो जाए,
कॉन्वेक्स रूप में हो जाए और बाहर दिखाई देने लगे। कहां पर? बाहर धरती पर दिखाई देने लगे। ठीक, अगला आता है हमारे पास बैथोलिथ। बैथोलिथ का मतलब होता है जब मैग्मा चैम्बर में मैग्मा क्या हो, लहरदार जमा हो जाए। क्या हो जाए? लहरदार रूप में। कैसे? लहरदार रूप में अगर जमा हो जाए तो क्या कहा जाएगा उसे? बैथोलिथ कहा जाएगा। अगला आता है लोपोलिथ। लोपोलिथ में क्या हो जाता है? कॉनकेव फॉर्म में, यानी अवतल रूप में। किसमें? अवतल रूप में जमा हो जाए। यह है लोपोलिथ। किस रूप में? अवतल रूप में जमा हो जाए तो क्या कहेंगे उसे? लोपोलिथ कहेंगे। अगला आता है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या है? प्लूटोनिक रॉक होती है सबसे अंदर, यानी कि अंदरतम, यानी कि सबसे अंदर वाले रीजन में कैसा हो जाए? ये कॉन्वेक्स हो जाए। ठीक, तो ये क्या है? उत्तल रूप में होता है, कॉन्वेक्स में होता है, बाहर धरती पर दिखाई दे जाता है, जबकि फैकोलिथ क्या है? क्रस्ट के अंदर ही होता है और कॉन्वेक्स फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। अगला आता है सिल। सिल का मतलब क्या होता है? जब मैग्मा कैसा जम जाए? होरिजोंटल जम जाए। होरिजोंटल यानी क्षैतिज रूप में इसका जमाव हो जाए। और अगला आता है डाइक, जब मैग्मा वर्टिकल फॉर्म में जम जाए। किस फॉर्म में? वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर फॉर्म में अगर मैग्मा जम जाए। तो ये हमारे पास क्या होता है? बोला सर, स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है। क्लियर? इसी के साथ आज की कक्षा होती है समाप्त। अगर कोई डाउट हो तो आप 8 से 9 बजे के बीच में मुझे कॉल पर बात कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। इसके अलावा शाम को 3 बजे आपसे मुलाकात होगी, और किसी भी कीमत पर यह क्लास छोड़नी नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि कंप्लीट तभी माना जाएगा सिलेबस जब आप उससे आने वाले क्वेश्चनों को भी बना सकोगे। ठीक, प्रैक्टिस होगी आपकी 3 बजे, रेगुलरिटी में डेली होती है। शाम को 3 बजे विजय नोट्स बैच में आपको, विजय लाइव बैच में आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, लाइव पोल, चैट, रैंकिंग, लीडर बोर्ड के साथ तैयारी कराई जाती है। शाम को 3 बजे मिलेंगे। इसके अलावा नोट्स बैच में आपको कॉन्सेप्ट के नोट्स, ये पूरे के पूरे अपलोडेड हैं। 600+ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, जो कि आपके रिविजन के लिए, और रिविजन ही किसी एग्जाम की माना जाता है सक्सेस की, है ना। इसके अलावा यहां पर आज एक और CPP में डालूंगा, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड वाला, उसे जाकर जरूर लगाइएगा। अगर कोई डाउट आ रहा हो बैच के रिगार्डिंग तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेता हूं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, बाय बाय, लव यू।